हरि ओम। मैं विष्णु प्रसाद जी भी छठी कक्षा का विद्यार्थी आपके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर चंद बातें कहना चाहता हूँ। आशा है आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना और दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, सच्चे दिल से अपनाओ खुले आसमान को, पर ना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर न्योछावर करो जिंदगी सारी। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है, और पूरे विश्व में हर एक देश की एक अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति है। यदि हमें दूसरों की भाषा को सीखने का मौका मिले तो यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा के चलते हमारी राष्ट्रभाषा को छोड़ना पड़े तो यह कदापि उचित नहीं है। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं हमारे देश भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में, जिसे हमें बोलने के समय गर्व महसूस होना चाहिए। भले ही आज हमारे सारी पढ़ाई लिखाई और सारे कार्य अंग्रेजी में है, लेकिन भारत के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। और आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको रहने में और कार्य करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता में जोड़ती है। हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वास्तव में 14 सितंबर 1949 के दिन आजादी के बाद हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी सम्माननीय है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अमेरिका में जाकर हिंदी भाषा में ही भाषण दिया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो मित्रों, ऐसे अतुल्य भाषा के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्य धन्य भारत की भाषा हिंदी, हिंदी तुझे प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।